हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, रात के समय आपने आसमान की तरफ तो जरूर देखा होगा, तो आसमान में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, ढेर सारी हेवनली बॉडीज जैसे कि सन, द मून, द स्टार्स और जितनी चीज़ें हम रात में देखते हैं उन्हें हेवनली बॉडीज कहा जाता है। ये हेवनली बॉडीज का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली हेवनली बॉडीज जो होती हैं, दे आर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, दे आर फ्लोटिंग इन द स्पेस। आसमान में जैसे चांद बिना किसी सपोर्ट के देखिए घूमता रहता है, उसी तरह हमारी अर्थ भी घूमती है, सन भी घूमता है, तो इन सभी को हम हेवनली बॉडीज कहेंगे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गैलेक्सी। नाउ व्हाट इज अ गैलेक्सी? गैलेक्सी में आप देख सकते हैं कि मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा गैलेक्सी। इस आकाशगंगा गैलेक्सी के अंदर मिलियन ऑफ स्टार्स हैं, देखिए कितने ढेर सारे हैं, और यूनिवर्स में इस तरह की मिलियन ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। तो गैलेक्सी क्या हुआ? ग्रुप ऑफ मैनी स्टार, काउंटलेस स्टार्स। अब स्टार्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए बच्चों, स्टार जो होते हैं वो ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट है। दे शाइन ऑन देयर ओन, दे आर कंपोज्ड ऑफ गैसेस। हमारा सबसे जो नजदीकी स्टार है उसका नाम है सन। सन जो है वो मिल्की वे के ढेर सारे स्टार्स का एक स्टार है। बहुत सारे स्टार्स हैं मिल्की वे में, हमारी आकाशगंगा में। अब कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? आसमान में जब आप देखिएगा तो स्टार्स जो हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। जब आप कभी रात में ऑब्जर्व करिएगा और थोड़ी देर तक देखते रहिएगा स्टार्स को, तो इमेजिनरी लाइन से जब आप ज्वाइन कर देंगे स्टार्स को, सो दे विल फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स। वो पैटर्न कैसे होंगे? कुछ तो आपको कोई एनिमल जैसा दिख सकता है, कुछ आपको नाइफ जैसा दिख सकता है, तो इन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन के कुछ के मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए, जैसे कि देखिए ग्रेट बेयर, ओरियन, दीज आर कॉन्स्टेलेशंस। बिग बेयर का एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है अर्सा मेजर। आप देखिए, मैंने आपके स्क्रीन पे अंडरलाइन किया हुआ है, इसको बिग बेयर कहा जाता है, इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं। तो द टू स्टार्स ऑफ अर्सा मेजर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार। और पुराने जमाने में ऐसा होता था कि हम लोगों को डायरेक्शन का पता होता नहीं था। समंदर में कोई जहाज चल रहा है, सी के अंदर है, तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए स्टार्स की मदद ली जाती थी। आसमान देख करके डिसाइड किया जाता था कि किस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है। फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर ऑफ अर्सा मेजर। इसके देखिए, ये शुरू के दो स्टार्स जो हैं वो पोल स्टार की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। दिस इज पोल स्टार। ये आपके स्क्रीन पे देखिए सर्कल किया हुआ, ये पोल स्टार है। तो ये देखिए, आपकी यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, मैं आपको शो करता हूँ, ये पैटर्न बन रहा है। एक स्टार यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न कहलाता है अर्सा मेजर। नेक्स्ट, इन्हीं ढेर सारे स्टार्स के बीच में यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके सोलर सिस्टम बनाती हैं।
सोलर सिस्टम जो है, अभी तक के हम लोग जितने भी ऐसे सिस्टम्स को जानते हैं उसमें सोलर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर हम लोग ज़िंदगी जी सकते हैं, लाइफ सपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सन और उसके 8 प्लैनेट्स हैं। दिस इज सन, मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, दिस इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड फर्दर इज नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम, ये मिल करके ये सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब इस सोलर सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो है हमारा सन, क्योंकि अगर ये सन नहीं होगा तो अर्थ पर तो लाइफ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हॉट ग्लोइंग गैसेस का एक बॉल है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब सूरज के अंदर जो गैस जल रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। सूरज हमारी अर्थ से अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। ठीक है, इतना दूर है कि लाइट को सूरज से अर्थ तक आने के लिए अबाउट 8 मिनट एंड 48 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। इनको जो इनका नज़दीक का जो भी तारा होता है वो हीट और लाइट देता है। जैसे कि देखिए हमारी अर्थ प्लैनेट है, अर्थ को हीट कहाँ से मिलती है, लाइट कहाँ से मिलती है? आप सभी जानते हो कि हम लोगों को लाइट और हीट सूरज से मिलती है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ ही बस एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें पाई जाती हैं। और ये सभी प्लैनेट्स जो होते हैं ये फिक्स्ड पाथ के अंदर मूव करते रहते हैं, और इन फिक्स्ड पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स कहा जाता है। ठीक है, ये स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम के भी पूरे 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब अगर हम देखें कि सूरज से जो दूरी सब प्लैनेट्स की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब फ्रेंड्स इसका ऑर्डर याद करने के लिए आप देख सकते हैं ये सेंटेंस, माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। इस सेंटेंस का हर एक पहला लेटर, वर्ड का हर एक पहला लेटर जो है, जैसे कि M, यहाँ पर E, यहाँ पर M, यहाँ पर J, ये S, ये U और ये N। This M stands for Mercury, V stands for Venus, E stands for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। तो इस तरह से आप ऑर्डर को रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। वाटर सैटेलाइट्स, एक्चुअली सैटेलाइट्स ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आप देखिए घर में हम लोग जब टीवी वगैरह देखते हैं तो वो सारे सिग्नल्स
ये मैनमेड सैटेलाइट्स ही प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे ही इंडिया के मैनमेड सैटेलाइट्स हैं आर्यभट्टा एंड भास्कर, ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जुपिटर जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसके पास ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है कि किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट हैं। जुपिटर के देखिए 62 सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न के पास 33 हैं, यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये तीन प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जिनके चारों तरफ हमें रिंग्स दिखाई देते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट हैं, उनकी जो ऑर्बिट्स हैं, उनकी ऑर्बिट्स के बीच में जो गैप है, वहाँ पर ढेर सारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में हैं, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो ये एस्टेरॉइड्स भी इसी तरह प्लैनेट्स की तरह सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट, मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कभी कभी ये ऐसा होता है कि किसी ना किसी प्लैनेट की ऑर्बिट से ये टकरा जाते हैं और उसके ग्रेविटी की वजह से दे आर पुल डाउन। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो होता है उससे रगड़ करके ये जो होते हैं ये बर्न आउट हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो स्ट्राइक कर जाते हैं प्लैनेट को, और जब भी प्लैनेट को स्ट्राइक करते हैं तो बड़ा सा एक गड्ढा बना देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज क्रेटर। तो हमने देखा कि यूनिवर्स जो है वो ढेर सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का बना हुआ है, जैसे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, और बहुत सारे अभी भी ऑब्जेक्ट्स ढेर सारे डिस्कवर होने बाकी हैं। हर रोज़ नई नई तरह की डिस्कवरी होती रहती है। ठीक है, तो अब आप घर पे ये चैप्टर थोड़ा सा अपनी कोर्स बुक से रीड करें जिससे कि और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और बच्चों, इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद आपको जो बात भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई और वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, मैनी मैनी थैंक्स फॉर व्यूइंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो।